हेलो फ्रेंड, आज आपको बताएंगे कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार। आज मेन बार के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले फार्मूला, इसका फार्मूला है कटिंग लेंथ का फार्मूला है कटिंग लेंथ का फार्मूला है टोटल लेंथ माइनस इनटू टू मल्टीप्लाई सी सी प्लस इनटू टू मल्टीप्लाई हुक लेंथ माइनस बैंड टोटल लेंथ। टोटल लेंथ मैंने यहाँ पे ली है 3 फुट, 3 फीट इसकी टोटल लेंथ है हॉरिजॉन्टल में। माइनस इनटू टू मल्टीप्लाई सी सी, अब सी सी क्या है? सीसी इसका ये है कंक्रीट कवर, ये क्या है? ये है सीसी। सीसी क्या है? कंक्रीट कवर, कंक्रीट कवर। और इस तरफ ये भी क्या है? ये भी सीसी। यहां पे ले लेते हैं 1.5 इंच, इस तरफ भी 1.5 इंच। दोनों तरफ जो है, क्योंकि यूनिट जो है वो फुट्स में चल रहे हैं, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं फुट्स में। 1.5 इंच है, 1.5। अब 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं, डिवाइड कर देंगे 12 के ऊपर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.125, 0.125। ये क्या? फुट में आ गया, क्योंकि यूनिट फुट में चल रहे हैं, इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया है फुट में। प्लस इंटू टू मल्टीप्लाई हुक लेंथ। अब हुक लेंथ क्या है? ये इसकी हुक लेंथ है जो बेंड होने के बाद एल शेप में ऊपर की तरफ जा रही है, ये क्या है? हुक लेंथ, ये इसकी हुक है, हुक लेंथ। और ये भी क्या है? ये भी हुक लेंथ है। अब हुक लेंथ जो है वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं? इसका फार्मूला है, हम लेते हैं टेन डी टू 16 डी। अब डी क्या है? डाया ऑफ बार। अब डाया बार मैं क्या ले लेता हूं? आधी इंच, 1/2 इंच, यानी 4 सूत का डाया है हमारे पास। और 10 टू 16 डी लेते हैं, फार्मूले में यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 12 डी, क्योंकि मैक्सिमम जो यूज़ होता है 12 डी जो है वो यूज़ होता है। मैं यहाँ पे 12 डी ले लेता हूँ। 12 मल्टीप्लाई 1/2, 12 1/2, 1 तकसीम 2, 0.5 मल्टीप्लाई 12 के साथ किया, तो ये हमारे पास आ गया 6। अब ये क्या है? 6 इंच है। यूनिट हमारे जो चल रहे हैं वो फुटों में चल रहे हैं, तो डिवाइड हम 12 पे कर देंगे, 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं, 6 डिवाइड 12 कर देंगे, 12 किया तो ये हमारे पास आ गया 0.5। ये क्या है? फीट। अब 0.5 फीट्स में आ गया। मल्टीप्लाई 2 है, क्योंकि दोनों तरफ हुक है इसलिए मल्टीप्लाई 2 है। अब बेंड करेंगे, माइनस कर देंगे इसका बेंड। अब बेंड क्या है? ये जो हुक यहाँ से हुक बन रही है हॉरिजॉन्टली, यहाँ से टर्न हो रही है, जब स्टील को हम बेंड करते हैं इसकी लेंथ इंक्रीज होती है, ये हम कट लेंथ में से माइनस करते हैं। ये क्या है? बेंड। और इस तरफ भी ये क्या है इसका? ये बेंड है दोनों तरफ। अब बेंड जो है, ये बेंड किस तरह डिडक्शन करते हैं? अगर बेंड जो है वो 45 पे है तो उसका और फार्मूला है, 90 पे है और है, 135 पे है और है, 180 पे है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री पे है। इससे पहले मैंने इस पे वीडियो बनाई है कि अगर 45 पे हो, 135 पे हो, 180 पे हो, तो किस फार्मूले से डिडक्शन की जाती है वो आप काइंडली देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 90 पे है
90 डिग्री पे बेंड हो रहा है तो यहाँ पे 2d लगेगा, 2 इंटू डी। डी क्या है? डाया बार। डाया बार क्या चल रहा है? डाया बार चल रहा है आधी का, 1/2 इंच, 1/2। 2 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे 0.5 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देंगे, 0.5 मल्टीप्लाई 2, ये क्या आ जाएगा? 1। अब ये 1 क्या है? 1 इंच है, 1 इस तरफ भी, और 1 + 1 कितना हो गया? 2 इंच। अब यूनिट हमारे फुटों में चल रहे हैं इसलिए डिवाइड कर देंगे 12 के ऊपर, तो 2 / 12 ये हमारा आ जाएगा 0.166 से 0.17 फीट्स। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 3 माइनस, ये सीसी को हम माइनस करेंगे, 0.125 मल्टीप्लाई 2, 2 इसलिए किया है कि इस तरफ भी कवर है, दोनों तरफ है, तो इसलिए मल्टीप्लाई 2 कर दिया, तो ये आ गया 0.25 + 0.5 0.5 मल्टीप्लाई 2, ये 1 आ गया, 1 क्या? 1 फीट। ये क्या है? इसकी हुक है। अब माइनस क्या करेंगे? बेंड है 0.17। इसको कैलकुलेट करते हैं, 3 फिट इसकी लेंथ, इसको माइनस कर देंगे इसमें से कवर, कंक्रीट कवर 0.25, इसमें प्लस कर देंगे इसकी हुक 1 फीट, माइनस कर देंगे बेंड 0.17, तो ये आ जाएगा 3.58 फीट। ये इसकी शेप है, इसकी कट लेंथ क्या आएगी? 3.58 फीट, यानी 3 फुट और 7 इंच। ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट टाइम और अच्छे टॉपिक पे बात करें।